पश्चिमी चंपारण जिले के अधिकांश गांवों में देखा जा रहा है कि मौसम के बेरुखी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस जिले की किसान की खेत की फसल गेहूं मसूर सब ओलावृष्टि के कारण सब फसल नष्ट हो गया था। ग्राम डुमरी के किसान मुस्माता अमरावती प्रकाश महतो मदन खोजर के साथ साथ बहुत किसान हैं कि उनकी खेत की फसल नष्ट हो गई थी, जिस समस्या पर मैंने मई महीने में इस वीडियो बनाई थी। खेती बाड़ी लगाओ तानी पानी होला तो होला ना होला आपकी गेहूँ रोपनी पथला पानी पर आई लग गेहूँ फूटल हो सूख गई गेहूँ सारा दाना सूख गई बटाई के नोखनी एक मन गेहूँ बोल है आठ कट्ठा खेत में एक मन गेहूँ बोल आठ कट्ठा में लगल रहने आठ कट्ठा में तो गेहूँ रोए को नहीं भाई साफा गेहूँ है ना बोल कौन कारण से नहीं भाई कौन कारण से नहीं बोल बरखा जब फूटल गेहूँ दूधा रतल पथल पड़ गई बरखा बरस गई लौका ठनका पर सब गेहूँ सूख गई। साल खेती मारी गई। क्या चीज की खेती किए थे? गेहूं की खेती किए। क्या कारण से क्षति हुई? बारिश जोरों से हुई या ओला गिरा जिसके कारण पौधा तो हुआ लेकिन उसमें दाना एक भी नहीं लगा। मुझे मालूम था कि मैं अपने समुदाय के मदद के साथ अपनी गेहूं मसूर फसल नष्ट होने का मुआवजा लेने में सक्षम हो सकती हूँ, इसलिए मैं मुस्मात अमरावती कृष्णावती प्रकाश महतो लाल बाबू यादव समेत 200 किसानों को मुआवजा के लिए आवेदन कराए और कृषि भवन में प्रखंड कृषि पदाधिकारी पर दबाव बनाई, जिसका परिणाम हम किसान अपने फसल क्षति का मुआवजा लेने में सफल हुई। तो रोग का मुआवजा मिल गए? मुआवजा तो 1000 रुपया का दिन बैंक में आई। हाँ तो क्या करो मुआवजा मिलल? 2000 रुपया। तो मुआवजा मिले खतरा का प्रक्रिया भैल खेसरा खाता हुई लागल हो कुड़ी है गबना है तुम्हारा घर में क्या सोचो कोई लोग तंजली दे प्रकृति प्रकोप से अलावृष्टि से जिसके कारण गेहूं मसूर का फसल बर्बाद हो चुका था। तो बर्बाद हो चुका तो क्या आपको मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मिला सरकार की तरफ से मिला। कितना मिला? 1300 रुपया हमको मिला। दिलाने में किसने सहयोग की? वीडियो वॉलंटियर तंजू देवी के सहयोग से ये पैसा मिला। आपके साथ साथ कितने किसानों को मिला है? लगभग 200 किसानों का पैसा मिला। जितने भी आवेदन रुपोलिया गांव से प्राप्त हुआ था रुपोलिया पंचायत से उन सभी आवेदन की सारी प्रक्रिया पूरी करके राशि की निकासी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ 18 पंचायत है, बारी बारी से सभी पंचायतों की में राशि भेज रहा है। उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर सभी लोगों के खाते में चली जाए। इसे लगता है कि सामूहिक प्रयास तेजी से बदलाव ला सकता है। मुझे इस बदलाव से काफ़ी सीख मिला और अनुभव भी हुई। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहद के लिए।